चुनावी संग्राम के बीच मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। 700 करोड़ की लागत से 90 एकड़ में बनी है ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। युवाओं को सभी तरीकों के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में 540 पुरुष और 540 महिला खिलाड़ियों को एक साथ प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। मेरठ में मोदी का पिछली सरकारों पर निशाना, बोले यूपी में पहले अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे, पहले की सरकारों के खेल की वजह से पलायन हुआ। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। मेरठ में पीएम मोदी ने अघोरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यूपी के सीएम योगी भी मौजूद रहे। यूपी में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड, लखनऊ में अखिलेश की विजय रथ यात्रा, परशुराम मंदिर पहुंचे अखिलेश यादव ने की पूजा। लखनऊ में अखिलेश यादव की चुनावी रैली, यूपी में जो भी विकास हुआ वो समाजवादी सरकार ने किया, योगी सरकार ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। ये जितना विकास यहाँ दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा विकास समाजवादी सरकार का है, इस काम को आगे सरकार नहीं बढ़ा पाई। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल का अखिलेश के मुफ्त बिजली वाले वादे पर हमला, बोले मुफ्त बिजली का फॉर्मूला सिर्फ केजरीवाल के पास है, योगी को दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था देखने की चुनौती दी। केवल केजरीवाल कर सकता है जीरो बिजली के बिल और 24 घंटे बिजली, ये केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन सीटों को लेकर सस्पेंस बरकरार, कहा पार्टी तय करेगी सीट। AIMIM नेता गुफरान नूर का विवादित बयान, हरिद्वार धर्म संसद विवाद पर कहा, अगर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बने तो देश पर बाबर जैसा राज होगा। कन्नौज में इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी और याकूब मलिक के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी, देर रात पंपी को लेकर उनकी फैक्ट्री कोल्ड स्टोरेज पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने की थी छानबीन। लखनऊ की रैली में एक बार फिर अखिलेश ने यूपी में छापेमारी को लेकर कहा, जो पैसा कानपुर में निकला वो बीजेपी का पैसा था। यूपी में सीएम योगी ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरा, कहा राम मंदिर पर गोली चलवाने वाले लोग कह रहे हैं हम भव्य राम मंदिर बनवाते, आपको तो कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत नहीं थी। आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। AIMIM के मुखिया सदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश पर निशाना, कहा इल्जाम तो सिर्फ मुसलमानों पर लगता है, आपकी दसों उंगलियां घी में थी मगर बकरी चोरी और भैंस चोरी का आरोप आजम खान पर लगा। विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाली मजीठिया आम आदमी पार्टी में शामिल। पंजाब के चुनावी घमासान में सिद्धू और चन्नी के रिश्तों पर लग रही सियासी अटकलों के बीच बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कहा सिद्धू जहां जाएंगे मैं उनके पीछे जाऊंगा। मैं तो सिद्धू साहब ने कहा भी जिथे चलूंगा चलूंगी नाल तेरे टिकटां दो ले ली, मैं तो उन्हां दे नाल मिलके काम करने को तैयार है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार बस जुमलों की सरकार, कहा जनता महंगाई से त्रस्त है लेकिन सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ जो पेट्रोल डीजल है वो ऑलमोस्ट दुगुना के पार करने की तैयारी है, तो जीना भारी कर दिया है सरकार ने महंगाई की वजह से। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के ऐलान पर कहा चुनाव लड़ने से देश के किसानों को नुकसान होगा। इलेक्शन लड़ना सबका अपना अधिकार है, उसका तो हम किसी के अधिकारों को भी वो नहीं करते। इससे यह है कि नुकसान होगा, व्यक्तिगत फायदा हो सकता है लेकिन देश के किसानों को नुकसान होगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक एनसीबी पर जमकर बरसे, एनसीबी अधिकारियों पर पिछले एक साल में झूठे केस और फर्जी गवाह बनाने के आरोप लगाए।
उत्तराखंड के सोयलबाड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल समेत 82 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप। संक्रमित छात्र छात्राओं को अलग हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 17 जूनियर डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप। सभी डॉक्टर एनएमसीएच के अलग अलग वार्ड में काम कर रहे थे। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कल से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। अब तक 3 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन। वैक्सीनेशन को लेकर अभिभावक खुश नजर आए। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 248 लोगों की मौत। देश में लगातार बढ़ रहा है ओमिक्रोन का आंकड़ा। ओमिक्रोन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,525। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 460 और दिल्ली में 351 मरीजों की पुष्टि। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 7 संक्रमितों की मौत। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बीकेसी जम्मू कोविड सेंटर शुरू किया। यहां बच्चे 25 के समूह में आएंगे। हर दिन 500 बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में तेज रफ्तार से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 2700 से ज्यादा नए मरीज। 21 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस। संक्रमण दर बढ़कर 3.64% हुई। दिल्ली में कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली सरकार तैयार। बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। गुजरात में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 1,069 नए केस सामने आए। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 559 मरीज। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा में नई गाइडलाइंस। पूरे राज्य में स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस 2 जनवरी से 12 जनवरी तक लागू रहेंगी। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस। राजधानी में बढ़ रही है ठंड। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहेगा। अनुमान के अनुसार 5 और 6 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।